हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रियों में माँ के आगे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस ज्योति को जलाने के क्या नियम होते हैं और ये क्यों जलाई जाती है और इसका क्या महत्व है, दोस्तों आज हम आपको पूरा विस्तार से बता रहे हैं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि 2018 की शुरुआत आने ही वाली है। दोस्तों इस दौरान माँ के सामने अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। माँ के सामने अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए तमाम तरीके हैं और इन्हीं में से एक है अखंड ज्योति का जलाना। ये वो ज्योति होती है तो माँ के आगे नवरात्रि में दिन रात लगातार जलती रहती है। इसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। लगातार जलने की वजह से इसे अखंड ज्योति कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखें कि इस दौरान घर में कभी ताला नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे धारणा यही है कि परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशकुन माना जाता है। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन स्वरूपों की पूजा होती है उनमें माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी होती हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक देवी माता जी की विशेष श्रृंगार करना चाहिए। चोला, फूलों की माला, हार और नए कपड़े से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। वहीं नवरात्रि में देसी गाय के घी से अखंड ज्योति जलाना माँ भगवती को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी माता का अखंड ज्योति आप पूजा स्थान पर जला सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व होता है। हर पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में यह भक्त की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है, इसलिए दीपक के बिना कोई भी पूजा नहीं होती। नवरात्रि में क्योंकि 9 दिनों तक होती है इसलिए इसे अखंड ज्योति जलाई जाती है और इसे अखंड ज्योति कहते हैं, अर्थात ये पूरे 9 दिनों तक रात दिन जलती रहती है। ऐसी मान्यता है कि अखंड संकल्प लेकर कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाई गई है तो व्रत की समाप्ति तक इसे बुझना नहीं देना चाहिए। यह पूजा में विघ्न का प्रतीक है और आने वाले समय में संकटों का संकेत देता है। इसलिए जब भी नवरात्रि का संकल्प करें तो अखंड दीपक जरूर जलाएं और इसके नियमों का पालन अवश्य करें। कैसे जलाएं अखंड ज्योति, आइए जानते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड ज्योति सिर्फ पीतल के दीप पर ही जलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पीतल को शुद्ध माना जाता है इसलिए पूजा में इससे बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पीतल का दिया नहीं जला सकते तो मिट्टी का दीप पात्र भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो इसमें अखंड ज्योति लगाने से 24 घंटे पहले से साफ जल से भरे किसी बर्तन में पानी में पूरी तरह डुबो कर रख दें। दरअसल भट्टी से निकले हुए मिट्टी के बर्तन सोखते की तरह काम करते हैं, इसलिए अगर पानी में भिगोए बिना आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल होगा उतना ही यह पात्र सोख लेगा। इसलिए 24 घंटे इसे भिगोने के बाद पानी से निकालें और किसी साफ कपड़े से पोंछकर फिर सुखा लें। अखंड ज्योति जलाने की विधि जानते हैं। अखंड ज्योति का यह दिया कभी खाली जमीन पर नहीं रखा जाता, इसलिए चाहे आप चौकी या पटरे पर इसे जला रहे हो या देवी के सामने जमीन पर जला रहे हो, दिए को रखने के लिए अष्टदल अवश्य बनाएं। यह अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं। पीले या लाल चावलों से चित्रानुसार अष्टदल बनाएं या फिर चावलों से रंगोली बना लें, उसके ऊपर अखंड ज्योति रखें। अखंड ज्योति में जलाने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी बाती विशेष होती है। यह रक्षा सूत्र से मनाई जाती है, सवा हाथ का रक्षा सूत्र। पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा जो धागा होता है उसी को रक्षा सूत्र कहते हैं। इसे लेकर उसे सावधानी पूर्वक अपने हाथों से इसकी बाती बनाइए और दिए के बीचों बीच रखें। घी या तेल का करें अखंड ज्योति में प्रयोग। किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी या का प्रयोग किया जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर घी ना जला सके तो तिल या सरसों का तेल भी जलाया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि
इनमें अन्य तेलों की मिलावट नहीं होनी चाहिए और ये पूरी तरह से शुद्ध हो। आइए अब जानते हैं कि अखंड ज्योति को कहाँ रखें। आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं, इसी से देवी के सामने दीपक रखे जाने का स्थान तय होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर घी का दीपक जलाया जाए तो यह देवी की दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन अगर दीपक तेल का है तो इसे बाईं ओर रखें। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। दीपक जलाने से पूर्व की सभी तैयारियां पूरी होने के पश्चात इसे जलाने की बारी आती है। इसके लिए भी एक खास नियम का पालन किया जाना चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, माता दुर्गा और शिव जी का ध्यान करें। अगर किसी विशेष मनोकामना के साथ अखंड ज्योति जला रहे हो तो उसे भी मन में सोच लें और माता से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ ही वह पूर्ण हो जाए। अब माँ दुर्गा का मंत्र ओम जयंती माँ मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही आपको अखंड ज्योति का दीपक जलाना है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि इस नवरात्रि में यदि आप अखंड ज्योति जलाना चाह रही हैं तो इस नियमों का पालन करें, और आज हमने आपको इसका महत्व और इसे कैसे जलाना चाहिए वह भी आपको बताया। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।